नमस्कार दोस्तों, आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के लिए सातवें मॉक में जो एलपीटी के लिए हमने सीरीज़ चलाई है उसके सातवें मॉक में आपका स्वागत है। इससे पहले हम छः मॉक कर चुके हैं, तो अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के लिंक मैं डाल दूंगा नीचे, आप उससे देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज भी हम डिक्टेशन करेंगे, और इससे पहले वाली क्लास में भी मैं एक बार डिक्टेशन करा चुका हूँ, तो आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, आपको उससे फ़ायदा मिलेगा। तो आप पेन और पेपर लेके तैयार हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको पांच शब्द कहूँगा और आपको उसको अपने पेपर पे उतारना है, फिर मैं उसको लिख के बताऊँगा और फिर आप उससे रीचेक करिएगा कि आपने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपका पहला शब्द है अभियान, अभियान। आपका दूसरा शब्द है अतिथि, अतिथि। आपका तीसरा शब्द है इंद्र, इंद्र। आपका चौथा शब्द है आभूषण, आभूषण। आपका अगला शब्द है कठिन, कठिन। तो दोस्तों पांच शब्द हो चुके हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि इन शब्दों को कैसे लिखते हैं। तो हमारा पहला शब्द था हमारे पास अभियान, तो अभियान, अभियान। तो दोस्तों अभियान को इस प्रकार लिखा जाएगा, मुझे उम्मीद है आपने सही लिखा होगा। तो हमारे पास अगला शब्द था अतिथि, अतिथि। तो फ्रेंड्स अतिथि को ऐसे लिखा जाएगा, त और थ में दोनों में छोटी की मात्रा आएगी, आप इसका ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द था हमारे पास इंद्र, तो दोस्तों इंद्र कुछ ऐसे लिखा जाएगा, ये आसान शब्द था, मुझे उम्मीद है आपने सही लिखा होगा। तो हमारे पास अगला शब्द था आभूषण, तो आभूषण। आभूषण, तो दोस्तों आभूषण कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, अब मात्राओं का खासा ध्यान रखिएगा। चलिए अगले शब्द पे चलते हैं। तो दोस्तों आपका अगला शब्द था कठिन, कठिन। तो दोस्तों कठिन कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, आप इन सभी शब्दों को एक बार रीचेक कर लीजिए। चलिए अब मैं आपको अगले पांच शब्द बोलता हूँ, तो आप पेन और पेपर लेके रेडी हो जाइए। तो आपका अगला शब्द है विख्यात, विख्यात। आपका अगला शब्द है रुझान, रुझान। आपका अगला शब्द है समृद्ध, समृद्ध। आपका अगला शब्द है नैतिक, नैतिक। आपका अगला शब्द है असुरक्षित, असुरक्षित, असुरक्षित। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इन शब्दों को कैसे लिखा जाएगा। अगला शब्द हमारे पास था विख्यात, तो विख्यात। विख्यात हमें छोटी की मात्रा और ये आधा ख है और या और था, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपने ऐसे ही लिखा होगा। अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द था हमारे पास रुझान, तो दोस्तों रुझान कुछ ऐसे लिखा जाएगा। चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द था हमारे पास समृद्ध, तो दोस्तों समृद्ध कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, मुझे उम्मीद है आपने सही लिखा होगा। अगला शब्द था हमारे पास नैतिक, नैतिक। तो दोस्तों अगला शब्द था हमारे पास असुरक्षित, तो दोस्तों असुरक्षित कुछ ऐसे लिखा जाएगा, स में छोटा उ की मात्रा आएगी, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब मैं आपको अगले पांच शब्द बोलता हूँ, तो आप पेन और पेपर लेके तैयार हो जाइए।
आपका अगला शब्द है उपलब्धि। उपलब्धि। आपका अगला शब्द है पर्वतारोही। पर्वतारोही। आपका अगला शब्द है प्रायोगिक। प्रायोगिक। आपका अगला शब्द है कट्टर। कट्टर। आपका अगला शब्द है आलोकित। आलोकित। तो चलिए दोस्तों देखते हैं ये शब्द कैसे लिखे जाएंगे। तो हमारा अगला शब्द था उपलब्धि। तो दोस्तों उपलब्धि को इस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए अगले शब्द पे चलते हैं। अगला शब्द था हमारे पास पर्वतारोही। तो दोस्तों पर्वतारोही को जैसे लिखा जाएगा ह में बड़ी की मात्रा आएगी, आप ध्यान रखिएगा। अगला शब्द पे चलते हैं। अगला शब्द था हमारे पास प्रायोगिक। प्रायोगिक। चलिए अगले शब्द पे चलते हैं। आप चेक करते रहिए। अगला शब्द हमारे पास कट्टर। कट्टर। ये ट आधा है तो आप थोड़ी समझने का प्रयास करें। चलिए अगले शब्द पे चलते हैं। अगला शब्द हमारे पास आलोकित। आलोकित। दोस्तों ये हमारे पास कुछ शब्द थे जिनको हमने प्रैक्टिस किया हिंदी डिक्टेशन में। मुझे उम्मीद है आपने सारे शब्द सही लिखे होंगे, और जितने भी शब्द आपके गलत हुए होंगे आप उनको एक और बार लिखिएगा और उनमें क्या गलती हुई है उसको ठीक करने की भी कोशिश करिएगा। तो अभी के लिए इस सेशन में इतना ही गाइस, और इसी के साथ मैं ऐड कर दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो भी RBI के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं LPT के लिए, और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि आपको चैनल की सभी अपडेट्स मिलते रहें। अभी के लिए इतना ही गाइस, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।